अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद आफ्ताब रिज़वी, सैयद आफ्ताब रिज़वी चैनल में आपको खुश आमदीद। इस वक्त मेरे पास साथ एक ऐसा बाहिम्मत नौजवान मौजूद है जो माजूरी के बावजूद 25-25 किलोमीटर जो है वो इस साइकिल पे सफ़र कर लेता है। एहतिशाम अली, एहतिशाम साहब, क्या हाल है आप? जी अल्लाह पाक की रहमत, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो आप इस वक्त सफ़र करके आ रहे हैं, कहाँ से करके आ रहे हैं? ये अभी मैं लद्देवाला से निकला था तकरीबन सुबह 5:15 के करीब, और मैं वजीराबाद पहुंचा था, फिर वहां से यूटर्न लिया और फिर उसी मतलब उसी वक्त मैं वापस आ गया। अभी तक मेरा जो सफ़र है 72 किलोमीटर हो चुका है, तो मैं इंशाल्लाह जब घर पहुंचूंगा तो उम्मीद है 75 से 76 किलोमीटर के करीब आज मेरी लॉन्ग राइड जो वीकली है वो मुकम्मल हो जाएगी। ये साइकिल आपने कहाँ से लिया? ये मुझे अजमल शामिल फाउंडेशन हांगकॉन्ग से मिली है, और इसी वजह से मैं इस पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ कि आइंदा जब भी मुझे स्पॉन्सरशिप मिलेगी अजमल शामिल फाउंडेशन की तरफ से तो मैं मजीद मुकाबलों में हिस्सा लूँगा और लॉन्ग राइड के लिए निकलूँगा इंशाल्लाह। ये मजदूरी जो है वो आपको कब से हुई और कैसे हुई? ये मैं जब 6 माह का था तब मुझे टाइफाइड हुआ और उसकी वजह से ही मुझे पोलियो हो गया, और जिसकी वजह से मैं मजदूरी का शिकार हो गया। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं अपनी ज़िंदगी से फाइट कर रहा हूँ, और ज़िंदगी को मेहनत, उसके बाद आजजी, लगन, सब्र और शुक्र और तहम्मुल के साथ ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका ये मोटिव क्या है, इसको क्या रेस में हिस्सा लेना चाहते हैं या आगे आपने क्या अचीव करना चाह रहे हैं? जी इंशाल्लाह, मैं जैसा कि ट्रेनिंग इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कंपेटिटिव एथलीट बन जाऊँ और इंटरनेशनल लेवल पे जो मुकाबले होते हैं उनमें मैं हिस्सा लूँ, और जो लंबे सफ़र के लिए भी लोग निकलते हैं उनके साथ भी मैं शिरकत करूँ, और इंशाल्लाह इसी वजह से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं, मुझे उम्मीद है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाऊँगा। एजुकेशन कहाँ तक हासिल की हुई है? मैंने एफ़ए किया था, उसके बाद फिर मजबूरी की वजह से मुझे जॉब वगैरह करना पड़ी, तो साथ साथ मैंने स्पोर्ट्स को भी कंटिन्यू किया हुआ है। आपने जो टूर किया था बाहर के मुल्क का जी, तो कहाँ का किया था, वो सफ़र कैसा रहा आपका? जी मैं रिसेंटली ही सिंगापुर गया था और 21 जुलाई को मैं उधर पहुंचा था, फिर 3 रातों का मेरा उधर टूर था। उधर मैंने 60 किलोमीटर इसी हैंड साइकिल पे सफ़र किया था, जो कि मेरे लिए बिल्कुल ही फर्स्ट चीज़ थी, मतलब बिल्कुल नई चीज़ थी मेरे लिए, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया, और 60 किलोमीटर जो कि नाकाबिले यकीन था सभी के लिए, वो लोगों के लिए जो 5-5, 6-6 साल से इस हैंड साइकिल को चला रहे थे, उनको भी यकीन नहीं था कि मैंने वाकई ये 60 किलोमीटर किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस हैंड साइकिल पे 20 से 25 किलोमीटर या हद 30 किलोमीटर सफ़र किया जाता है, और अल्लाह का शुक्र है उधर भी इज्जत रही है, तो अभी इंशाल्लाह मैं मजीद खुद को बेहतर करूँगा। जी व्यूअर्स, सुना कि आपने, उन्होंने कहा, एहतिशाम अली ने कहा कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मेहनत करूँगा और बहुत सी मेहनत करके, मशक्क़त करके अपने मुकाम को हासिल करूँगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे दीजिएगा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।